इन दिनों हिंदुस्तान और चाइना के बीच से आपस में गहमागहमी है क्योंकि बॉर्डर में कुछ तनाव है। इस वजह से हिंदुस्तान के लोगों में काफ़ी आक्रोश है क्योंकि वो चाहते हैं कि चाइना की चीज़ का बहिष्कार करें, जैसे कि उनके फ़ोन्स वगैरह या फिर उनके जो ऐप्स है उन लोगों का बहिष्कार करना चाहते हैं। तो इसी कड़ी में आज के इस वीडियो में बनाने वाला हूं कि वो कौन कौन सा, आप तो फ़ोन अपना जो परचेज़ कर चुके हैं आपके पैसे का है उसकी तो आप बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप ये कोशिश कर सकते हैं कि चाइना के फ़ोन ना खरीदें। लेकिन अभी के इस दौर में आप ये बहिष्कार ज़रूर कर सकते हैं, जो आप ऐप यूज़ करते हैं वो चाइनीज़ ऐप है। कहीं ऐसा ना हो आप अपने गलतफहमी की वजह से आप अपना हिंदुस्तान का पैसा आप चाइना में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ऐप के एडवर्टाइजमेंट से चाइनीज़ कंपनी बहुत अच्छी खासी रकम इंडिया से कमाती है। तो चलिए आज इसी कड़ी में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से ऐप है जो हम यूज़ करते हैं और हमें पता नहीं है कि ये चाइनीज़ ऐप है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अबूज़र और आप देख रहे हैं हिंदी में सपोर्ट यूट्यूब चैनल। इस कड़ी में दोस्तों सबसे पहले जो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे जो पहला नंबर पे जो आता है वो है टिकटॉक ऐप, जिसको इससे पहले भी आप लोगों ने रेटिंग कम करने की कोशिश की और हिंदुस्तान के लोगों ने दिखा भी दिया कि हमारे हिंदुस्तानियों में कितनी एकता है, और हम लोगों ने इसकी रेटिंग को 1.2 तक गिरा दिया था। और जाहिर सी बात है आप जितना इसे अनइंस्टॉल करेंगे और इसका यूज़ कम करेंगे इनकी रेवेन्यू कम होगी, हिंदुस्तान से इनका पैसा कम होगा। तो ज़रूर आप ये काम करें कि आप टिकटॉक ऐप अभी अनइंस्टॉल करें। इसके अगले नंबर पे आता है दोस्तों जो कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो यूसी ब्राउज़र, जो कि 500 मिलियन यहाँ आप देख सकते हैं, वो 500 मिलियन लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है पूरी दुनिया से। लेकिन हम हिंदुस्तानी अगर चाहें तो इसे फुल्ली बायकॉट कर सकते हैं, यानी कि आप चाइनीज़ ऐप को पूरे तरीके से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद जो दोस्तों आता है यूसी न्यूज़, भी हम लोग यूज़ करते हैं हिंदुस्तान के लोग। दोस्तों इंडिया की बनी हुई बहुत सारे न्यूज़ ऐप है, आप अपने इलाके का दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर सामने का देखने के लिए, और आज तक और न्यूज़ 18 इंडिया जैसे चैनलों का भी ऐप ऑलरेडी है जब प्ले स्टोर में, तो फिर हम क्यों इन लोगों का ऐप इंस्टॉल करेंगे। तो न्यूज़ यूसी न्यूज़ को भी अनइंस्टॉल करेंगे। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो यूज़ करने वाला जो ऐप है वो है जेंडर, आप लोगों को पता नहीं है ये चीनी कंपनी ने बनाया है। जेंडर फाइल शेयरिंग सिस्टम का जो सिस्टम है ये भी चीनी ऐप है। इसके बाद जो है क्लैश ऑफ किंग है, पैरेलल स्पेस है जिसमें आप दो स्पेस को यूज़ करते हैं, दो व्हाट्सएप के लिए यूज़ करते हैं, हर ऐप की क्लोनिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आता है ब्यूटी प्लस भी बहुत काफ़ी यूज़ होता है, शेयर इट है, हेलो डिस्कवरी चैनल, ये इस तरह से डिस्कवर है, ये शेयर एंड कम्युनिकेट, हेलो भी, वी चैट है, वी चैट के बाद बिगो लाइव है, वीवा वीडियो एडिटिंग के लिए वीवा कट, फिर लाइकी ऐप, ये भी चाइनीज़ ऐप है। इसके बाद डी यू स्क्रीन रिकॉर्डर और डी यू से रिलेटेड जितने भी चीज़ हैं, डी यू डॉक्टर, डी यू बैटरी सेवर, डी यू एंटीवायरस, ये सारी चीज़ें जो आपको देख रहे हैं डी यू रिलेटेड, ये सारी चीज़ें भी ये फुल्ली चाइनीज़ ऐप है, इसको आप अभी अनइंस्टॉल कर दें। तो दोस्तों आपूस एक होता है, वो लॉन्चर है, आपूस लॉन्चर भी चाइनीज़ ऐप है, और आपूस करके सिक्योरिटी है, आपूस लॉन्चर है, आपूस टर्बो, आपूस मैसेज, आपूस फ्लैशलाइट, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं आप अभी अनइंस्टॉल कर दें ताकि आप इसके रिप्लेसमेंट में जो चीज़ आने वाली है उसको यूज़ करें और ये देखें कि वो हिंदुस्तानी हो, और हिंदुस्तानी ना हो तो कम से कम ऐसे देश की हो जिससे कि हमारे देश को कोई ख़तरा नहीं है, कम से कम उनको पैसा दें। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो है दोस्तों शेयर इट, जो कि काफ़ी बड़े तादाद में हिंदुस्तानियों को यूज़ करते हैं। शेयर इट का लाइट वर्जन है, इसे भी आप अभी अनइंस्टॉल कर देंगे। न्यूज़ डॉग है, ब्रेकिंग न्यूज़, वायरल न्यूज़, ये सारी चीज़ जो है न्यूज़ डॉग भी आपका ऐप नहीं है। उसके बाद दोस्तों ये लिस्ट में आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी फहरिस्त है जिसमें हिंदुस्तानियों ने ऐप की दुनिया में लेकर आपके खिलौने से लेकर और चाइनीज़ गैजेट्स से लेकर वो सारी चीज़ों में उन लोगों ने अपना वर्चस्व जमा लिया है, अपना एक बहुत बड़ा मार्केट खोल कर रखा है, जिसकी वजह से लोगों को चाइनीज़ ऐप लेने पे मजबूर हो जाते हैं और उन्हें उसको परचेज़ करना पड़ता है, और इसका विकल्प भी हमारे पास नहीं है। और यहाँ पे ज़रूरत है हमें विकल्प ढूंढने का, ना कि अपने पास जो ऑलरेडी हमारे पास सामान है उसको बेच देना या फिर उसको तोड़ देना, ये विकल्प नहीं है। इसका विकल्प है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी जो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं वहाँ पर रोकथाम कैसे कराएँ। पहले तो उसकी विकल्प, जैसे कि कोई फ़ोन है तो फ़ोन का विकल्प लोगों को दे, कोई खिलौना है तो खिलौना का विकल्प सरकार दे सकती है, और इस तरह से अपने मेक इन इंडिया का आप एक टैग लगा सकते हैं। इस तरह से हम उसको पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। यहाँ पे ये तरीका नहीं है कि आप अपने फ़ोन्स को तोड़ दें, अपने टीवी को तोड़ दें, ये इसका रास्ता नहीं है, ये आप अपने पैसे का नुकसान कर रहे हैं। आप कोशिश करें कि आइंदा से आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे चाइनीज़ ऐप
चाइनीज़ प्रोडक्ट, चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स नहीं खरीदेंगे। हाँ, ऐसे फ़ोन्स खरीदेंगे जिसका चाइना से कॉन्टैक्ट नहीं हो, भले वो दूसरे देश से हो, जिससे हमारे हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के फ़ौजियों को, हिंदुस्तान के सैनिकों को कोई ख़तरा ना हो। ऐसे फ़ोन्स को हम यूज़ करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज़ करेंगे, चाइनीज़ गैजेट्स बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, आप देख सकते हैं ये सारे लिस्ट में जो भी ऐप आते हैं, अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो अभी आप अनइंस्टॉल कर दें। इसके बाद दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोग यूज़ करते हैं मास्टर फ़ोन क्लीनर भी चाइनीज़ ऐप है, इसको भी आप अनइंस्टॉल कर दें। ऐसे इसकी लिस्ट फहरिस्त बहुत बड़ी है। एक और ऐप अभी प्ले स्टोर में आया है जिसका नाम है चाइनीज़ ऐप डिलीट। इससे पहले भी इस तरह की ऐप आई थी, लेकिन गूगल प्ले स्टोर ने कहा कि ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी का उल्लंघन है, ये कहते हुए उन्होंने इस तरह के ऐप को रिमूव कर दिया था। तो आप ये जो ऐप देख रहे हैं, आप अपने प्ले स्टोर में जाएं, प्ले स्टोर में लिखें चाइनीज़ ऐप रिमूवर लिखें, ये दोस्तों अभी जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे चाइनीज़ ऐप डिटेक्टर वो डिलीट कर चुका है, यहाँ पे प्ले स्टोर से हटाया जा चुका है एक बार फिर से, क्योंकि यहाँ 5 मिलियन लोगों ने इसे इंस्टॉल कर रखा था और फिर से एक बार फिर से प्ले स्टोर ने इसे रिमूव कर दिया है, क्योंकि ये कहता है, इसका कहना है कि ये हमारी प्राइवेसी एंड पॉलिसी का उल्लंघन करता है। तो दोस्तों, ये एक तरह से आप अपने नेट पे भी अगर खोजेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे। आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं कि कौन सी कंपनी चाइनीज़ है और वो ऐप बनाती है, और उस कंपनी के बनाए हुए जितने भी ऐप हैं आप उसको रिमूव कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि चाइनीज़ ऐप नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये भी एक तरह की युद्ध है, एक आर्थिक बहिष्कार है चाइना का। आप इस पे हमारा साथ दें, हिंदुस्तानी भाइयों का साथ दें, हिंदुस्तानी फ़ौजियों का साथ दें, और इस कड़ी में हम भी अपनी जितनी हो सकता है योगदान दें। लड़ाई को लड़ना है और हमें जीतना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपके पास क्या सुझाव है वो भी ज़रूर दें। मिलते हैं हम इसी तरह के एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद। अगले वीडियो में दोस्तों, मैं आपको ये बताऊँगा कि चाइनीज़ ऐप का रिप्लेसमेंट क्या है, यानी कि जैसे अगर आप कैम स्कैनर इंस्टॉल किए हुए हैं तो कैम स्कैनर का अल्टरनेटिव क्या है, वो है एडोबी का भी स्कैनर है। इसी तरह से बहुत सारे आप ऐप यूज़ करते हैं जिसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको उसका अल्टरनेटिव यानी उसके रिप्लेस में दूसरे ऐप के बारे में पता नहीं है। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ, अगर आपको इस तरह के वीडियो चाहिए कि हाँ, मुझे ये जानना है कि इस चाइनीज़ ऐप का रिप्लेसमेंट वाला ऐप कौन सा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, बने रहिए हिंदी में सपोर्ट यूट्यूब चैनल के साथ।